मानो तो गंगा ना मानो तो पानी, क्या है गंगा की असली कहानी, गंगा इतनी मैली क्यों है, और इसी बात को समझने और जानने की कोशिश के तहत हम आ चुके हैं अपने ही मिजाज के लिए जाने जाने वाले शहर बनारस में। आपको बता दें कि जब तक हर एक नागरिक खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक गंगा को हम साफ नहीं कर सकते। दरअसल गंगा की सफाई एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, दुर्भाग्य से एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। जब तक ये राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा गंगा साफ नहीं हो सकती। जन जागरूकता के साथ साथ जैसे यहाँ कुछ घाटों पे पशुओं को नहलाया जाता है, कुछ घाटों पे धोबी घाट है, अनशन किया गया, हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज मनमोहन सिंह जी से मिले, उन्होंने गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराया। राष्ट्र नदी घोषित इसलिए कराया था कि राष्ट्र नदी करने पर जिस तरह से राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान होता है उस तरह का सम्मान गंगा को मिलना चाहिए। ये देश विश्वास मानता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक पैसा भी चोरी नहीं होगा। माँ गंगा के नाम पर जो पैसा केंद्र सरकार ने रिलीज किया है उस एक एक पैसे का उपयोग गंगा के स्वच्छता अभियान के लिए हम करेंगे। हम ये शपथ लें कि माँ गंगा को हर हाल में हम साफ सुथरा रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे।